प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल सी टेट एच टेट सभी के लिए हिंदी व्याकरण बहुत ही आवश्यक हो गई है। इससे संबंधित लिटरेचर या फिर व्याकरण संबंधित जो भी नई नई खोज हैं, आविष्कार हैं या फिर जो भी हम प्रयोग हैं, प्रक्रियाएं हैं, हम अभी आपके सामने करवाएंगे, जिससे आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम, हर प्रकार के टेस्ट आसानी से इजीली आप क्वालिफाई कर पाओगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं आने वाली है। सबसे पहले हमें हिंदी व्याकरण में, जो कि करने योग्य है, हिंदी व्याकरण में कि हिंदी व्याकरण है क्या, तो व्याकरण सबसे पहले मेन बात है कि व्याकरण किस प्रकार से बना हुआ है। व्याकरण शब्द, व्याकरण एक शास्त्र है। सबसे पहले तो व्याकरण क्या है, व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का बोध कराता है कि शुद्ध है या अशुद्ध है। ये बात हम केवल और व्याकरण से जान पाते हैं। किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका व्याकरण का होना अनिवार्य है। पहले भाषा क्या है, भाषा एक साधन है। जिस प्रकार से व्याकरण एक शास्त्र है, वैसे ही भाषा एक साधन है। साधन जो हमें यह बोध कराता है, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर, बोलकर जो हम अपने विचार प्रकट करेंगे वो होता है भाषा का मौखिक रूप। मौखिक, जो मौखिक रूप है भाषा का, यह भाषा का अस्थाई रूप है। अस्थाई, कई बार ये छोटे वाले क्वेश्चन आता है कि भाषा का जो मौखिक रूप है वो कैसा रूप है, तो ये अस्थाई रूप है। अस्थाई, क्योंकि बोली हुई बात कुछ क्षण के बाद अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन भाषा का जो दूसरा रूप है, जिसमें हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर वो भाषा का हो गया लिखित रूप, लिखा हुआ रूप। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जो हमने बोर्ड पे लिखा है ये भाषा का लिखित रूप है। ये मेरे जाने के बाद भी यहाँ पर एज इट इज लिखा रहेगा। तो जो भाषा का लिखित रूप है, यह भाषा का स्थाई रूप है। स्थाई, छोटे वाले क्वेश्चनों में, मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस जो प्रश्न होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि भाषा का मौखिक रूप कैसा है, अस्थाई रूप। भाषा का लिखित रूप कैसा है, स्थाई रूप है। इसका एक और रूप है, जो लोग असमर्थ हैं, असमर्थ जो ना तो बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, ऐसे मनुष्य सांकेतिक भाषा का रूप करते हैं, सांकेतिक रूप का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही हमें अनुच्छेद, जो अपना संविधान है, उसके अनुसार भी जानने की जरूरी है कि व्याकरण के अनुसार, अर्थात जो अपनी हिंदी भाषा है, भारत के संविधान में, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को, राजकीय भाषा स्वीकार किया गया है। राजकीय भाषा कि अपने भारत के सभी राजकीय कार्यकाज सभी हिंदी भाषा में किए जाएंगे, तो अनुच्छेद 343 के तहत है। ये बात हमें अवश्य याद रखनी है। इसके साथ ही आता है कि भाषा के अलावा अनुच्छेद और कौन कौन से इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अपनी जो भारत की राजकीय भाषा है, ये कब से स्वीकार की गई है, इसके लिए है भारत के संविधान में हिंदी भाषा को चौदह सितंबर 1949 को राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था